हम सीधे आपको रोशन क्लॉथ हाउस के शुभारंभ मौके की तस्वीरों को दे रहे हैं। आप देख रहे हैं लोकतंत्र सेनानी प्रमोद गुप्ता जी भी यहाँ मौजूद है और अली अहमद जी जो मास्टर है उन्होंने हाथ मिलाकर के स्वागत किया है और एक एक लोगों का हाथ मिला के स्वागत कर रहा जाऊंगा। ओम चंद वर्मा जी से हाथ मिला रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं और एक एक मेहमानों से हाथ मिला करके उनका स्वागत कर रहे हैं और ये सब तस्वीरें हम आपको शुभारंभ मौके की दे रहे हैं। आज काफी गणमान्य लोग मौजूद हैं और देख रहे हैं जो है कमाल के मामा भी मौजूद हैं, वकार भाई इलेक्ट्रॉनिक वाले जो जरवल के हैं और ये काफ़ी चर्चित जो है आते हैं वकार भाई भी और जो भी एक एक देखिए जरवल देहात के प्रधान और जो है भी मौजूद हैं यहाँ पर ताहिर भाई और आज सभी लोगों को साथ में लेकर के आप देख रहे हैं नब्बू भाई और ये शुभारंभ मौके की तस्वीर आप देखेंगे। अभी तक रोशन के यहाँ हमने सदरी और बहुत कुछ दिखाया था लेकिन रोशन ने अब अपना थोड़ा मॉडल चेंज किया है, अपनी दुकान को आधुनिक तरीके से किया, बहुत अच्छे कपड़ों का ब्रांडेड कपड़ों का उन्होंने संग्रहालय खोला है और आज उसका शुभारंभ होगा और आदरणीय अली मास्टर साहब के साथ ठाकुर साहब भी मौजूद हैं और कमरुज्जमा पप्पू भाई जो दंगल के बादशाह हैं, ये सभी लोगों की तस्वीर हम आपको लाइव दे रहे हैं जरवल से शुभारंभ मौके की। टील जो है नौदवी साहब मौलाना साहब की तस्वीर भाई से भी हाथ मिला करके स्वागत कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी जैसा कि आप जानते हैं होली का त्यौहार आने वाला है तो उसी को लेकर के जो प्रोपराइटर उन्होंने होली के लिए विशेष तौर पर ये ब्रांडेड कपड़ों का संग्रहालय डाला है रोशन क्लॉथ हाउस ने। सीधे आप देख रहे हैं जो सामने आपको मार्ग दिखाई दे रहा है ये जरवल को जाने वाला मार्ग है जो निकट पुलिस चौकी लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। इस तरफ ये मार्ग जो आप देख रहे हैं ये जरवल रोड चीनी मिल मार्ग को जोड़ता है और बिल्कुल इसके ठीक सामने आप देख रहे हैं कि जो है रोशन क्लॉथ हाउस जरवल का सबसे बेहतर टिकाऊ कपड़ा देने वाले रोशन क्लॉथ हाउस का भव्य तरीके से नए तरीके से शुभारंभ हुआ है। दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बोर्ड की तस्वीरें इस तरीके से आधुनिक तरीकों से शीशों को लगा करके बनाया गया है जो है यहाँ पर कमाल भाई के साथ बहुत देखिए आप देख रहे हैं आमिर फैलक्स जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, कमाल भाई भी मौजूद हैं इस शुभारंभ के मौके की तस्वीरों के साथ। अब हम आपको इनके शोरूम के अंदर ले जाएंगे, तस्वीरें देख रहे हैं आप, नब्बू भाई भी मौजूद हैं यहाँ। तो मास्टर साहब तो आज के इस शुभारंभ मौके पर पहले से तो भाई साहब की दुकान चल रही थी जो है इनका क्लॉथ हाउस, तो आज आपने पुनः जो है नया शोरूम शुरू किया है, बहुत अच्छा कांच का बनाया है, तो पूरा नाम जानते हुए भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? अन्ना जी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं जी और बहुत ही अच्छी इस दुकान का नाम है रोशन क्लॉथ हाउस जी और जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि रोशन यकीनन ये रोशनी फैलाएगा जी। ये पुरानी बहुत पुरानी दुकान है जी। और सेलेक्टेड कपड़ों की दुकान थी जी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है जी और ब्रांडेड की रेंज जो है इसको यहाँ पर बढ़ाई गई है जी। हमारे चचा है रोशन टेलर के नाम से मशहूर थे और उसी के नाम से ये दुकान बनाई गई जी। आज आप देख रहे होंगे जिसकी रैक में वो कपड़े यहाँ पर लगाए गए हैं जो जरवल में नहीं मिलते थे जी। हमें इनकी मार्केटिंग करने के लिए लखनऊ बहराइच या दूसरी जगहों को जाना पड़ता था जी। चचा से बात हुई तो चचा ने कहा कि वो मैं वो सारी रेंज आप। अच्छा मास्टर साहब एक चीज हमको ये जानकारी भी मिली, कई ग्राहकों ने इस बात को कहा भी है कि जो जरवल में कपड़े और अन्य जो लोग खोले हैं कपड़े की दुकानें वहाँ पर नहीं उपलब्ध है लेकिन इनके यहाँ वो ब्रांडेड कपड़े उपलब्ध हैं, तो क्या आपने कभी खरीदा, कोई ऐसी बात आप कहना चाहेंगे? यकीनन क्या कैसा है, क्या है इनके पास? अभी 2 महीने पहले हमारा एक प्रांतीय अधिवेशन था, मैं संघीय पदाधिकारी हूँ जी उत्तर प्रदेश का, बेशक स्वागत। और वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हुए थे तो मैंने चाचा से कहा कि मुझे भी एक ऐसा कुर्ते का कपड़ा दीजिए कि मैं जाऊं और आपका ब्रांड लेकर के जाऊं। बेशक। तो यकीन मानिए जब मैं वहां वो कुर्ता पहन के पहुंचता हूं तो प्रांतीय अध्यक्ष उठ करके आकर के और मुझसे हाथ मिलाते हैं और उसके बाद में मिलते हैं जब कार्यक्रम के बाद में तो मेरे कपड़ों की तारीफ करते हैं, जिससे मुझे महसूस हुआ कि यहां का कपड़ा बहुत ही ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का है जो ये रोशन क्लॉथ हाउस में मिल रहा है। तो एक चीज और, चलते चलते लाखों दर्शकों का प्यार मिलता है, लोग देखते हैं इसको, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आपने खरीदा है आपको अच्छा लगा तो हम ये चाहते हैं कि वो भी यहाँ रोशन क्लॉथ हाउस आए
और अच्छे कपड़े ले जाएं, ऐसी वैसी ना फंसे। तो दर्शकों के लिए क्या कहेंगे अंत में? देखिए ऐसा है कि हमारे जो जरवल के अवाम है, वो जरवल की अवाम बहुत चूजी है, बहुत सिलेक्टेड है जी। वो इस चीज को महसूस करती है कि हमें कौन सी अच्छी चीज कहाँ मिलेगी जी। और मैं जब इस तरफ आता हूँ तो जो जरवल के ब्रांडेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो मुझे यही नजर आते हैं कपड़े खरीदते हुए। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितने अच्छे कपड़ों की दुकान है, यहाँ कितने अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े यहाँ मौजूद है। जो है टेलर महोदय साहब, अभी काफी लोग आपकी दुकान पे पहुंचे और धन्यवाद के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, ये ब्रांडेड कपड़ों की दुकान, होली आ रही थी, ईद आ रही थी, लोग जो है अच्छे कपड़ों की तलाश में रहते हैं, बाहर जाना पड़ता है उनको जी। तो जरवल ही मिल जाए उनमें, यहाँ मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है जी। तो इसलिए जो ब्रांडेड पहनने वाले शौकीन लोग हैं, वो एक बार मौका दें, यहाँ आए, देखें, रेट भी सही और माल भी सही रहेगा। आप सभी आने का धन्यवाद, और जो भी आएंगे उनके लिए समझ लो बहुत ही वो है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोथन क्लॉथ हाउस पे कपड़ा जो है आया, जो ब्रांड आया, वकार भाई की तस्वीर आप देख रहे हैं, और उनके साथ आप देख रहे हैं नब्बू भाई की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जो कपड़े के लिए बारे में पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और वकार भाई के बारे में भी बता दें कि आप जो है इलेक्ट्रिक शोरूम के आप प्रोपराइटर हैं, और बहुत जल्दी गर्मी शुरू होने वाला है, इनके पास भी काफ़ी कूलर फ्रिज बहुत कुछ ऐसा सामान है। देखिए जो है वो शर्ट दिखा रहे हैं, और जरवल की सबसे बेहतरीन दुकान है आपके यहाँ, आप देख रहे हैं खादी भंडार का एक जो है शर्ट दिखा रहे हैं, और जिसे वकार भाई भी देख रहे हैं और उनके साथ नब्बू भाई भी देख रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, अंगूरी इशारा करके उन्होंने बताया, आपस में बात कर रहे हैं दो लोग। और नबी अहमद जी यहाँ अपनी ब्रांड कपड़ों को दिखा रहे हैं, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन, मिलाइए रोशन क्लॉथ हाउस को और सीधे बात करें। कपड़े की डिजाइन कलर में दिखा रहा हूँ, बहुत टिकाऊ कलर, शर्ट का कपड़ा भी यहाँ पर दिखा रहे हैं नबी भाई, रोशन क्लॉथ हाउस के शुभारंभ मौके की हम ये दे रहे हैं तस्वीरें आपको, देख रहे हैं कौशल किशोर सिंह जी की तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, जो रोशन क्लॉथ हाउस के प्रोपराइटर हैं वो यहाँ पर, और वसीम भाई, आज जरवल के वसीम भाई भी पहुंचे हैं, कपड़े देख रहे हैं कपड़े, और कपड़ों का कलर देखिए, हम जो भी तस्वीर दे रहे हैं आपको ब्रांडेड कपड़ों की तस्वीर दे रहे हैं। वकार भाई और जो है नब्बू भाई भी एक कपड़े के कलर को देख रहे हैं, आसमानी कलर का कपड़ा है, शर्ट बनाने की बात कर रहे हैं शायद वो। भाई साहब पूरा नाम जानेंगे आपका? अरे अल्लाह भाई, मेरा नाम वकार अहमद है, मेरे पास में ही दुकान है जी, SF इलेक्ट्रॉनिक जी, और हमारे बड़े भाई अली अहमद भाईजान हमारे जो है कपड़े की दुकान जो है बहुत ब्रांडेड कपड़े की दुकान उन्होंने खोला है। आज मैंने ये सदरी देखी है, आप आज मैंने ये सदरी इन्हीं के यहाँ से लिया है। तो सदरी कैसी लगी आपको? ये सदरी बहुत बेहतरीन है, बहुत सस्ती सदरी जी, और मैं तो निवेदन करता हूँ अपने क्षेत्रवासियों से कि एक बार वो जरूर मौका दें, अवसर दें यहाँ पे, और एक बार जरूर आए वो। पूरा नाम जानेंगे आपका? जी मैं मोहम्मद साइफ नप्पू, जिम एमटी, मैं जिम चलाता हूँ जी, और मैंने देखा ये रोशन टेलर मास्टर साहब जो हैं जी, ये बहुत ही अच्छे कपड़ों की शुरुआत करा इन्होंने जी। मैंने अभी एक कुर्ते का कपड़ा लिया है, इसका नाम BMW है जी, ये 2 साल तक डिम नहीं पड़ता इसका कलर वलर जी, मैं 2 साल पहले भी कपड़ा लेके गया था, अभी तक मैं पहनता हूँ। अच्छा, बहुत ही अच्छा कपड़ा, यानी पूरी तरीके से आप सर्टिफाइड है इनके कपड़ों से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हैं अभी बहुत सारी सदरियाँ भी इनके पास मौजूद है, और इनकी पूर्व में वीडियो भी हमने डाली, सदरी का कलर आप देख रहे हैं बहुत अच्छा, माशाल्लाह क्या कलर है सदरी का, एक बार सेवा करने का मौका देंगे आप। त्यौहार आने वाला देख रहे हैं आप, और होली भी आने वाली है, कपड़े का हम आपको दिखा रहे हैं, इनके संग्रहालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कपड़ा, ये कपड़ा शायद जरवल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कपड़े हम आपको दिखा रहे हैं ये केवल मिलेगा तो रोशन क्लॉथ हाउस मिलेगा, जो जरवल पुलिस चौकी से चीनी मिल मार्ग पर स्थापित है, और काफी सस्ता कपड़ा है और बहुत आकर्षक और अच्छे कलर में है, ये कभी चीप लोकल आइटम नहीं बेचते हैं, हम इस विश्वास के साथ आपको भरोसा दिलाते हैं। दोस्तों ये तस्वीरें रोशन क्लॉथ हाउस के कपड़े संग्रहालय की तस्वीर, जो नया खुला से शुभारंभ हुआ है, ये ऊपर के संग्रहालय की तस्वीर। अब होली का त्यौहार, यहाँ एक बार सेवा करने का मौका जरूर, आकर्षक कलर, टिकाऊ कलर में कपड़े मौजूद हैं रोशन क्लॉथ हाउस के, हम कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। सबसे मशहूर कपड़े का कॉटन जो है गीजा कॉटन का एक हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, एक इसका पूरा बहुत नजदीक से दिखा रहे हैं आपको, देख रहे हैं आप कपड़ों का संग्रहालय पूरा रोशन क्लॉथ हाउस के पास है। दोस्तों ये लाइव तस्वीर निरंतर इस वीडियो को शेयर करेंगे, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम दे रहे हैं इसमें,
आप रोशन क्लॉथ हाउस के प्रोप्राइटर से बात कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देर किस बात की, मिलाइए फोन रोशन क्लॉथ हाउस को और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।